इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। शेख भाई का सवाल ये था कि एक मुफ्ती साहब से पूछकर ही सूरह बकरा पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं, 40 दिन का इनका टाइम तय हुआ, इन्होंने वहाँ ये कहा कि मैं कुरान पाक पढ़ने की उजरत नहीं लेता, पैसे नहीं लेता, वक्त की लेता हूँ, यानी एक घंटा रोज़ डेली पढ़ूँगा, तो इस हिसाब से 40 दिन पढ़ूँगा तो 40 घंटे होंगे, और मैं हर घंटे के हिसाब से शायद इन्होंने पैसे उनसे तय किए हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो सूरत आपने बताई है कि हर घंटे आप ऐसा करना चाहें कि वक्त की उजरत ले लें कि एक घंटे तक की मेरी कीमत ये होगी, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाज़ एहतियात भी होनी चाहिए आपको, और आपके जहन में वो चीज़ होनी भी चाहिए और आप उसके लिए राज़ी भी होने चाहिए। सबसे पहले ये कि अगर आपने 9 से 10, 10 से 11 सुबह का या 8 से 9 जो भी टाइम अपना फ़िक्स किया है, तो आप उसके अंदर यही जहन बना के घर से निकलें कि ये घंटे के लिए आप नौकरी या काम पर ही जा रहे हैं, उजरत क्योंकि आपने घंटे के लिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो शख्स सूरह बकरा पढ़वाने के सिवा आपसे कोई और काम कराना चाहे जायज़, तो आपको वो काम करना भी होगा। मसलन ये कि अगर उसने बिठाने के बाद कहा कि आप कमरे की या इस दुकान की झाड़ू लगा दो, उसके बाद दोबारा वजू करके सूरह बकरा पढ़ लो, तो क्योंकि आप एक घंटे के लिए उसके ज़ाहरी तौर से तो नौकर ही हुए कि एक घंटे के आपने उससे पैसे लिए, तो उस एक घंटे में जो काम वो आपसे कहेगा आपको करना पड़ेगा। अगर वो आपसे पानी पिलाने को भी बोलेगा तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ तक कि झाड़ू भी उसकी लगानी पड़ जाएगी। अगर उसने कहा कि ठीक है आप थोड़ी सफाई वगैरह दुकान की कर दो सामान की, तो वो करना पड़ेगा। दूसरा है कि टाइम ख़त्म होने से पहले भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते। मसलन ये कि आपने घंटे की उजरत तय कर ली, 15 मिनट में सूरह बकरा पढ़ी और फिर आप बग़ैर पूछे चलते बने, तो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि 15 मिनट में भी काम ख़त्म होने के बाद बाकी 45 मिनट आप उसके जो है वो सुपुर्द रहेंगे कि वो आपसे दूसरे काम करा सकता है। अगर अंडरस्टूड यही है कि बंदा खुद भेज दे, ठीक है आप चले जाएँ, तो एक अलग बात है, लेकिन जाते के साथ ही, और ये भी अंडरस्टूड है कि हर रोज़ ये पूछने की भी आपको हाजत नहीं कि मुझे सूरह बकरा पढ़नी है नहीं, यानी ये चीज़ जो है ना फेल से भी कॉल से भी ज़ाहिर हो जाती है कि हाँ उसका हुक्म यही है सामने वाले का कि आप रोज़ आएँ और सूरह बकरा पहले पढ़ लें, तो आप जाते ही अपने टाइम पर पहुँचें, सूरह बकरा पढ़ें और बैठे रहें, ये उनसे पूछ लें, वो खुद भेजें तो ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरा ये कि अगर वो कुछ ही और काम को बोल दें कि जाके एक पानी की गैलन भर के लाओ, तो आप उसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वक्त की उजरत तय की है, लिहाजा जायज़ है आपका इस तरह से टाइम के पैसे लेना। तो ये कुरान पाक के पढ़ने के पैसे नहीं माने जाएंगे, उस वक्त के पैसे माने जाएंगे, और जब वो आप उस वक्त में उसकी काम करने वाले हो जाएंगे, तो उसके बाद वो आपसे सूरह बकरा पढ़वाए या कोई कहानी सुने, वो उसकी मर्ज़ी है, फिर आप इस तरह पढ़ सकते हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।